वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे। तो क्या कर रहे हो आप सब? मैं अपने हाथ को लेकर डोल रहा हूँ और बिग बॉस देख रहे हैं लाइव अपना बैठ के। आज तो बहुत बड़ा बोरिंग आया, मतलब कुछ भी नहीं। और एलिस भाई बोलने लग रहे हैं कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को वोट करो। भाई ऐसा मत करो, अपना गेम खेलो, जीत कर आना हो, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि भाई। और पता क्या है, ऐसे बोलने से ना मेरे को डर उस चीज़ का रहता है। एक बार एक बिग बॉस में था ना, वो राहुल वैद्य का नाम से, तो वैद्य कौन था वो, जो भी था ना, उसने बोलता मैं घर जाना है। तो सलमान खान ने क्या किया था, उसको बोल दिया था हाँ तुम जाओ, गेट खोल दिया था। तो भाई ऐसा मत करो, क्यों भी छोटी छोटी बात क्यों देनी, वो ऐसी है क्योंकि अब चिड़े बैठे हुए, तुमने थोड़ा बहुत से वो देखे नहीं, गाड़ी वाली जो दिए ना नॉर्मल होती है, बट वो देखे नहीं। अभी तुम अपना गेम खेलो भाई, जीतना है, जीत के जाना आना है वहाँ से, ठीक है। पूरा इंडिया तुम्हें इतना वोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हर जितनी भी 36 बिरादरी सारी वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, वीडियो बना रही है तुम्हारे लिए, हर चीज़ कर रही है। तो भाई ये चीज़ तो छोटे मोटे मन ना लगे वो तो चलता रहता है, एक दिन करो बट जीत के आना है, ऐसे नहीं है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ये बन चुका है जो मैं बताता शेड्स, गाड़ी वाला अभी तो गाड़ी थोड़ी मतलब पीछे खड़ी कर रहा है ना, पूरा स्पेस है। हम पहले सोच रहे थे कि हाँ कर दे, बट फिर सोचा कि यार पूरा स्पेस ले लेगा, हमें इतनी बड़ी वो चाहिए नहीं है, दो गाड़ी की चाहिए थी। तो दोनों गाड़ी अपनी यहाँ पे आ चुकी है, देखो कितने प्यारा लग रहा है ना। और कलर जो इसका है ना, ये सेम कलर है, कम्प्लीट हो चुका है, कल ही कम्प्लीट हो गया था। तो जो टेल का कलर है ना, सेम उस कलर का बनवाया पापा ने। मैंने सोचा था पहले वाइट पर वाइट बोल रहा था यार, जिसे जो बनवाने आया था ना, कि वाइट तो हमें जचेगा नहीं है, क्योंकि ये पूरा घर के हिसाब से बनाया, वाइट नहीं होगा, वाइट अलग चमक तो बेस्ट लगता। तो अपने भाई टेल का कलर चुना गया हमने, तो ऐसे बना दिए। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और दोनों गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी, कैसी प्यारी लग रही है दोनों गाड़ी, ब्लैक ब्लैक। डिफेंडर और थार, अपनी डिफेंडर आ चुकी है, फॉर्चून भाई साहब जो लेक गए थे, मतलब डिफेंडर लेक गए थे, वो आ चुकी है अपनी गाड़ी, अब देख लो आपके सामने है। बहुत दिन बाद गाड़ी आई है, अब इसका सामान ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाले रास्ते में ही है, जो मैं जैसे बताया था मॉडिफिकेशन होनी है ना, तो मैंने वो कल ऑर्डर कर दिया था, आज वो सामान मेरे पास पहुँच जाएगा। देखो स्पेस देखो, थोड़ी आगे गाड़ी करूँगा तो बिल्कुल करेक्ट इस गाड़ी ढक जाएगी, बारिश बारिश आएगी फिर ना तो गाड़ी भीजेगी ना कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर खड़ी होती थी पहले, थोड़ा सा दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका ये सोचो आप कितने का लगा होगा, ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से कितने का होगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरी कॉस्टिंग बैठी है 2,10,000 रुपये। बोला था हमको 2,50,000 रुपये था, बट हमने थोड़ा करना ही पड़ता है ना, वो इतना पड़ा फिर 2,10,000 का। तो ये सही लगा है या ज़्यादा महंगा लगा है कि सस्ता लगा है, वो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब जो लग गया उसको उखाड़ तो सकते नहीं, बट फिर भी एक अंदाज़ा हो जाएगा, कभी कहीं और लगवाना हो ना तो तुमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे जिसको पता होगा। बट अभी 2,10,000 का लगा है, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई ये ऐसा लगा गलत लगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लग रहा है ना। वैसे तो गाड़ी दोनों खड़ी हो जाएगी, यहाँ दिन में होता ना, दिन में दिखाता तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाता कि कैसे लग रहा है, बट कोई नहीं अब भी सही है यार, अब भी कौन सा बेकार लग रहा है। वन पे एक तो मेरा हाथ टूटा पड़ा है, तो समझ नहीं आता कि जब मैं 0.5 कर रहा था, एक वन पे देखो इसको लग रहा है ना प्यारा, मेरे को तो बड़ा लग रहा है दूर से जब देखता हूँ ना, तो एकदम गाड़ी कितनी तगड़ी लग रही है दोनों, और ऊपर से फिर ये लग गया, ठीक है। इस कमेंट करके जरूर। देख भाई इधर कहाँ टकरो भाई, कभी पेड़ पे ये जीव मारा था ना, अरे ये देख कभी इसको रेस्क्यू करेंगे इसको, ये देखो जो मैंने डिफेंडर का सामान ऑर्डर किया था ना वो आ गया है, बस एक मिनट के अंदर मैं बाहर आ गया हूँ, उसको रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो मैं ढंग से बताया प्रॉपर कि ऐसे ऐसे आ जाओ, वो भाई आ रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। दा भाई यू आ गो भाई, समारो सामान लो, देख लो भाई, बड़ी दूर तो आए थम तो हैं भाई, है पूरा जाम मोटरसाइकिल सामान आया था ना, उसको गाड़ी में रखने का टाइम आ गया। ये अपना ये बॉक्स रहा, एक बॉक्स ये रहा, इसमें क्या है वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, मैं बाद में रिवील करूँगा, क्योंकि अभी जब कल मॉडिफिकेशन का ब्लॉग अलग आएगा, ये ब्लॉग अलग है और मॉडिफिकेशन का ब्लॉग अलग है, तो इसको रख के सारा काम सेटअप कर लेते हैं, इसमें रख दो ढंग से, फिर सामान मैंने अंदर रख दिया ये दोनों बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है वो रिवील नहीं करूँगा। और भाई क्या है इस बॉक्स में पता है तुम्हें किसी को? बता ना तेरे को भी पिटा करे, जो तो वक्त तूने बता दिया, तो तेरे को तो नहीं पता नहीं, इसको तो पता है उदित को, पता है मेरे को, तेरे को पता है? अच्छा तेरे को पता सही भाई, सही है। चल तो कल बात करिए इसके बारे में, क्योंकि कल इसको हम मॉडिफिकेशन करा देंगे इसकी, ठीक है। इस अब जो डिफेंडर का काम होने वाला वो बेस्ट होने वाला, इसको बंद कर दीजिए, कर दो बंद, ये लॉक कर दो। चलो भाई अब चलते हैं अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। और आपको एक स्टोरी बताते हैं, अभी तीनों बच्चों मेरे सामने, आपको मैं वो क्लिप भी दिखाऊंगा। भाई कितना बड़ा सांप था वो, है भाई
भाई मैं मम्मी के रूम में, यहाँ थे रूम से मैं था, एकदम निकल के आया मेरे को, उसने बताया छोटू ने कि रवि भाई वहाँ पे सांप जा रहा है। मैं कि यार क्यों मुझे ले रहा है, उसने देखा ना भाई इतना लंबा सांप, मैं क्लिप डालूंगा ना आप तो, मतलब मैं क्लिप बना ढंग से बनी नहीं, मैं एक बच्चे चिल्लाने लग गए एकदम, वो हो गया ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ऐसे यहाँ से गया था, इस साइड से जाके वहाँ जाके फिर वहाँ चला गया। फिर आ गया हमारा ब्रूनो, वो तो ब्रूनो ने पकड़ लिया, ब्रूनो ने पकड़ लिया। वहाँ पेड़ है, जो पेड़ ऐसे पेड़ है देखो, ऐसे पेड़ उन पे अटका दिया ब्रूनो ने, वैसे पता नहीं पंजा मारा क्या, बट वो है कि कुछ कुत्ते ने उसको खाया नहीं, इसके वजह से हमारे कुत्ते को भी थोड़ा दिक्कत आ सकती थी, कभी पागल मर जाता ना, तो ये अच्छा हुआ कि कुत्ते को कुछ हुआ नहीं। बट सांप ऐसे लेटा था, घनी देर तक लेटा रहा कि पता नहीं जैसे क्या हो गया, वो मर गया क्या, वो कुछ नहीं, वो सांस लेटा था, आराम से थोड़ी देर बाद वो दूसरे उस साइड में जो पता नहीं वो है ना एक खेत, वो है घेर खाली पड़ा है उसमें जाके चला गया। बट वो सांप बड़ा लंबा था यार। कौन सा सांप था वैसे, वो हरे रंग का सांप है कोई, वो तो नहीं घोड़ा पिछाड़ तो नहीं ना, पता ना घोड़ा पिछाड़ तो नहीं था, दो दो सांप दो है सच में, अरे यार एक ब्राउन एक ग्रीन। बताओ यार इस घर में यार सांप, यार ये पेड़ों के वजह से है ना, पेड़ नहीं है। अरे वो पता है यहाँ से नहीं गया, मतलब यहाँ से इनमें इनमें इन पेड़ों में था कहीं, ठीक है उसमें से वो घर में भी आया होगा फिर तो। हाँ चीता वो तो आ गया था, वो तो अलग है, बट जो घेर है ना जो खाली घेर पड़ा है उसमें से आते हैं यार सांप, त्रे से घर में आ जाते हैं। पर वो तो यार बड़ा लंबा, मतलब घनी बड़ा हुआ है सांप तो, बट कोई नहीं उसको भगा दिया। अब हम तो मार तो सकते हैं, सामान चल रहा है तो इसलिए हमने ज़्यादा वो नहीं करनी, तो आराम से मार सकते थे जो यहाँ से जा रहा था हमने, पर छोड़ दिया कोई नहीं। चलो बिग बॉस देखते हैं फटाफट, लाइव हो रहा है भाई, बिग बॉस कौन देखता है, देख रहे हैं। और भाई ये देखो हरीश भाई हो गए भाई, कति कति सैड नू कह रहे हैं, मैं तो बाहर निकलूँगा, मैं बाहर आना हूँ, मेरा मन ना लग रहा, ये चीज़ गलत है ना भाई। बच्चों आपका क्या कहना है इस बारे में, जीत के आना चाहिए ना, तो भाई जीत के आना चाहिए, बच्चे भी ये बोल रहे हैं, तो भाई क्यों इतना सैड हो रहा है, तो 25 दिन तो निकाल दे यार, क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो भाई पूजा भट्ट से बात चल रही है एंड बिग बॉस चल रहा है, अब थोड़ी देर बाहर चलता हूँ भाई। भाई पूरे 24 घंटे बिग बॉस देखने में भी ना बड़ी आफत है, बताऊँ क्यों, क्योंकि जिसको हम देखना चाहते हैं बार बार वो तो वो दिखाते नहीं है, मतलब एलिश भाई को मेन तो अपना वही है, बाद में ये जो अभी बीचिंग कर रहे थे पीछे बैठ के, जी यहाँ अभी ना और क्या बोलते हैं उसको फलक, अभी बीचिंग कर रहे थे कि हमारे सामने एलिश बोल रहा है कि मेरे को घर जाना घर जाना, मतलब एक्टिंग करके दिखा रही थी उसकी, ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते जैसे इसके जैसे उसके मुँह में कुबेर हो, जी आके मैं ऐसे बोल के दिखा रही है इनको, मतलब पीछे से कुछ पीठ पीछे ही बोलना आता है कि ये यार वो मुँह पे बोलो ना तुम्हारी स्थिति कर देगा, तुम्हारी फाड़ देगा, और कितनी बार फाड़ भी रखी है तो अपना लिमिट में बोलो, ज़्यादा वो मत करो, तुम्हारे सहन भी नहीं होती फिर जब वो कुछ बोलता है, फिर बोलते हैं मेरे से उल्टा बोलता है ये बोलता है, तो आज ये सीन है। अब चलते हैं अंदर, और सांप की कहानी आपको बताई थी भाई, घर में सांप निकल रहे, एक तो बता रहे बच्चे तो बता रहे दो हैं, बट आज मैंने एक देखा है और भाई खूब लंबा था, मैं तो वीडियो डाल दूंगा उसमें, एक दो क्लिप बनाई है मैंने, ठीक है। चलो अब चलते हैं, थोड़ी देर टीवी देख के फिर सो जाऊंगा, जिन देर लाइव आएगा ना, मतलब 24 घंटे तो नहीं देख रहा था, फिर एपिसोड देख लेता हूँ बाद, जैसे आज का एपिसोड कल आएगा ना तो कल एपिसोड ही देख लेंगे, क्योंकि आज के में पूरे में वैसे कुछ हुआ ना लाइव में भी, मैं देखा कोई लड़ाई नहीं हुई, बस एक बार लड़ाई हुई थी जब भाई से एलिस भाई को बोल दिया था, फलक ने टोक दिया था कि तीसरा पराठा मत लो, बस वो एक चीज़ एक मुद्दा उठा था, वो चीज़ मुद्दा नहीं आया, जब जब भूख लगी तो खा ले क्या हो जाए, टोक देना कि जब तीन परांठे मरते हैं दो ले लिए तो एक और में क्या उनका वो कम हो जाएगा, बट वो इनकी सोच छोटी है, तो सोच छोटी का हम कुछ कर नहीं सकते।